Assalamualaikum everyone. ये इतनी मैं काली क्यों आ रही हूँ? Wait. French feel. मैं फिल्टर चेंज कर करके देख रही हूँ तो. Assalamualaikum everyone. Welcome back to Uzma My Vlogs. और सुबह का आगाज हो चुका है और इतनी सुबह का नहीं हुआ. अभी मैं आई हूँ कैमरे पे 10:30 बजे और मैं उठ चुकी थी सुबह 7 बजे, बल्कि 7:45 बजे उठ के जो है अबांग को भेजा है मैंने स्कूल, और स्कूल के साथ ही मैं चली गई थी जिम, और जिम से आने के बाद मैंने अपना किया व्लॉग एडिट जो कि अब अपलोड हो रहा है और जा चुकी है लाइव. तो मैंने कहा चले भाई डेली व्लॉगिंग का वादा क्या हुआ है, 2 दिन वैसे ही मैंने गुल कर दिया, 1-2 तो डंडियाँ चलती हैं. तो भाई ये मत बोलिएगा कि मैंने डेली व्लॉगिंग नहीं की, चैलेंज वो हो गया, नहीं नहीं थोड़ा बहुत चलता है. तो जो है 15 व्लॉग तक तो मैं कंटिन्यूसली गई थी, अब 16-17 दो दिन जो है मेरा व्लॉग डिले हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा आ गई, आई एम बैक, कोई बात नहीं. गलतियां करके तो इंसान सीखता है. और जो है मैं बहुत ही बुरे हुलियों में हूँ, मैं सोची थी ये मुझे क्या हो रहा है, ये तो घर वाला हाल हो गया भाई व्लॉगिंग का. मतलब स्टार्टिंग में जब मैं कैमरे के आगे आती थी तैयार शैयार होके, बाल खोल के, बाल स्ट्रेट करके या कभी कर्ल्स करके, लेकिन जो है डेली व्लॉगिंग से तो वो घर वाला हाल हुआ. जैसे नई नवेली दुल्हन जाती है और जो है उसके बाद जो है वो शुरू के दिनों में बहुत तैयार व्यार होकर निकलती है, ससुराल वालों को देती है धोखा कि वो इतनी खूबसूरत है, ये वो ग्लो कर रही है, फाउंडेशन भी लगाती है, पता नहीं आप लोगों ने किया नहीं क्या, मैं तो करती थी स्टार्टिंग में, फुल तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती थी. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आप उस घर की जो है यूज हो जाते हैं, सब आपकी शक्लों से वाकिफ हो जाते हैं कि मेकअप उतारने के बाद ये हाल है, तो जो है बंदा फिर मेकअप नहीं करता है, ऐसे ही बाहर आ जाता है. खैर मैं फेयर एंड लवली तो लाजिम लगाती थी, फिर भी ये अभी भी मैंने फेयर एंड लवली लगाई और हल्का हल्का ब्लश ऑन लगाया, लिपस्टिक लगाई है, लेकिन ये जो है जिम जाते हुए लगाई थी वही अभी तक चल रहा है, अभी मुंह भी नहीं धोया. तो मैं जो हूँ अभी जो है लाइट जा चुकी है, जनरेटर ऑन करने लगी हूँ, तो चले आप लोग मेरे साथ चलिए और देखें आज के ब्लॉग में क्या होता है क्या नहीं होता, तो मेरे साथ रहिए और देखते रहिए कि आज के ब्लॉग में मैं क्या करने वाली. तो जी मैंने मंगवा लिए हैं जिंजर गार्लिक, क्योंकि मुझे बनाना था खाना, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी सब्जी लेने जाऊं और जिंजर गार्लिक को ग्राइंड करूं. लाइट भी जा चुकी है और जो है अंडे मंगवा लिए हैं, रात में ही मैंने यखनी चढ़ा के बिल्कुल यखनी रेडी कर लिए, दिखाती हूँ. ये मॉर्निंग में किचन का हाल है क्योंकि अबान को क्या किया मैंने, स्कूल भेजा और जो है मैंने नाश्ता किया, अबान को नाश्ता कराया, तो अब ये बर्तन धुलेंगे. और इसके अलावा मैं फ्रिज का हाल दिखाती हूँ. तो ये मैंने रात में यखनी चढ़ा दी थी, चिकन का पूरा हिस्सा एक निकाल दिया था, वो चढ़ा दिया, साबुत काली मिर्चे, यार कंस्ट्रक्शन हो रही है इसको बर्दाश्त करें प्लीज, मैं वॉइस ओवर बाद में टाइम नहीं होता. तो ये चिकन निकाल लिया, इसके अंदर मैंने डाला जीरा, सौंफ, नमक, काली मिर्चे, हल्दी और कलौंजी और एक साबुत प्याज के छोटे छोटे पीस कर लिए, अदरक आपके पास लहसुन हो तो पूरा एक जवा डाल दें, ठीक है. मेरे पास आनी अदरक थी, अदरक डाल दी, और मतलब जो मेरे हाथ में आया ना लाल मिर्चों के अलावा जो हाथ में आया ना सब अंदर डाल दिया, सब इलायची, लौंग, साबुत मोटी इलायची, दालचीनी, जितने भी साबुत गर्म मसाले सारे डाल दिए, और मैंने अच्छे से यखनी निकाली. इतनी मजे की यखनी बनी, इतनी मजे की मैं क्या बताऊं आपको, कलर देखने कितना बेहतरीन है. उसके बाद मैंने एक छन्ने में इसको छान लिया और सारी चीजें डिस्कार्ड कर दी, और ये बेहतरीन से हमारी यखनी तैयार है. अब मॉर्निंग में आसानी होगी कि यखनी तैयार है, आते ही चावल भिगो दिए थे मैंने, ये पतीला निकाल लिया है, जिंजर गार्लिक मंगवा लिया है. इससे पहले हम करते हैं जनरेटर ऑन, सबसे पहले फ्रिज का प्लग ऑफ करेंगे, डिस्पेंसर ऑफ करेंगे, उसके बाद ये जो मेन बोर्ड है इसको बंद करेंगे, होते हैं पेट्रोल सीखे जनरेटर चलाना, पेट्रोल की चाबी खोलेंगे, चॉक चेंज करेंगे, एंड देन स्टार्टेड. बिजली के बिल इतने आ रहे हैं ना, आप लोग बताइए बिजली का भाई कितना आया है, बिजली का बिल मेरा बहुत ज्यादा आ गया भाई, अभी 3,000 देके सर्विस मतलब काम कराया है, पहले पैसे दिए, पैसे लगाते रहो जनरेटर पे और ये चलता ही नहीं है. पेट्रोल की चाबी ऑन की आपने, ये ऑन है ठीक है, और चौक यहाँ था ना तो हमने यहाँ कर लिया, अब ऑन कर लेंगे, जब स्टार्ट हो जाएगा हमारा जनरेटर फौरन ही पेट्रोल की चाबी जो है स्टार्ट होता ही हम चौक को यहाँ लेंगे और फिर जो है पेट्रोल की चाबी बंद कर देंगे, और जैसे जनरेटर झटके खाने लगेगा यानी पेट्रोल खत्म होने लगेगा तो ऐसा ऐसा से गैस की चाबी खोलेंगे, पहले आधी खोलेंगे, जब जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा पूरी खोलेंगे. तो लेट मी स्टार्ट. Wow.
वाह वाह वाह, फैन चल गया। चले जी बैक टू द रेसिपी। सबसे पहले मैंने ऑयल डाल लिया, ऑयल डालने के बाद मैंने आलू डाल दिए क्योंकि मैं प्याज डालना भूल गई थी। उसके बाद मैंने जिंजर और गार्लिक पेस्ट जो है वो डाल दिया। ये मैंने अलग अलग मंगवाया था क्योंकि शॉपकीपर के पास एक साथ वाला था नहीं और लाइट नहीं दी और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं जाऊँ जिंजर गार्लिक लेकर आऊँ फिर पेस्ट बनाऊँ, तो चलो मैंने बाज़ार से मंगा लिया। इसके बाद मैंने जो है प्याज डालना भूल गई थी तो अब डाल दिया क्योंकि ऑयल में आलू और जिंजर गार्लिक तो फ्राई हो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो सुनहरे हो जाएंगे प्याज भी। उसके बाद अब इसमें हम डाल देंगे साबुत गर्म मसालों में काली मिर्चें और लौंग, मोटी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी, क्योंकि बाकी हमने मसाले यखनी में पहले ही डाल के छान लिए थे तो वो डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अरोमा आ चुका है, बहुत मज़ेदार सी यखनी है। उसके बाद जो है मैंने चिकन डाल ली। अगर आपकी चिकन बहुत ज़्यादा कुक है, टूटने का डर है तो मत डालें, और जो है अगर लगता है कि चिकन में जो है कसर है तो डाल लें और साथ साथ भुनाई करते रहें। अब डालना है नमक। मैंने जो है 3 गिलास चावल लिए तो 3 गिलास चावल के हिसाब से नमक और थोड़ा यखनी में तो वैसे भी डाला हुआ था तो उस हिसाब से मैंने नमक डाला है। उसके बाद मैंने डाला है दुरू शरीफ पढ़ के कलौंजी डाली है, गर्म मसाला डाला है, 2-3 चम्मच भर के मैंने सूखा धनिया डाला है। पता नहीं उसकी वीडियो क्यों नहीं आई, हो सकता है आगे डाला हो, ठीक है, मगर मैंने बहुत सूखा धनिया बहुत डालती हूँ तभी मेरा जो है ना ये थोड़ा ब्राउन ग्रीन ग्रीन सा बनता है। उसके बाद मैंने 1 टोमेटो डाल दिया। यकीन माने ये यखनी पुलाव बहुत मज़े का बनता है, बहुत मज़े का। और मेरे पास हरा मसाला नहीं था, इसमें जो है हम हरा मसाला भी डालते हैं यानी जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट, ठीक है। तो ग्रीन चिली भी ख़त्म हुई हुई थी, देखें क्या क्या हाल होता है, फिर भी हमने खाना बना लिया जी। तो अब अच्छे से मैंने भुनाई कर ली, उसकी वीडियो नहीं दिखाई। उसके बाद जब भून गया मसाला तो मैंने जो यखनी थी वो सारी डाल दी। अब इसको हम कवर करके रख देंगे आलू गलने के लिए और अब भागेंगे अबान को लेने, तो थोड़ा तैयार हो जाते हैं। मैं जल्दी से फेस वॉश करके आ गई हूँ और जो है अबान के स्कूल की छुट्टी होने वाली है तो मैंने बस ये सामने सामने रखा हुआ है फेयर एंड लवली। ये जो है बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं धूप और रंग काला हो रहा है तो मैंने ये सन ब्लॉक, ये मेरी सास ने बताया था बहुत अच्छा है येल्लो वाला, तो जस्ट फटाफट तैयार होने वाला टाइम बांध का बस ऑफ होने वाला है। मुझे चिकन कम लग रही थी एंड मौके पे मेरे साथ ऐसा होता है, मैंने कहा नेबर को भी दूंगी, सब चिकन खाएंगे, फिर पुलाव ऐसी चीज है कि रात में भी दिल चाहता है, माय गॉड रात में भी दिल चाहता है। तो फिर मैंने जल्दी से थोड़ी चिकन और निकाल के उसमें डाल दिए, जब तक आलू गलेंगे चिकन भी गल ही जाएगी, चिकन गलने में टाइम नहीं लगता। चूल्हा बंद करके जाऊंगी, चूल्हा खोल के नहीं जाऊंगी चाहे जितनी भी देर हो रही हो, क्योंकि आग लगने का खतरा है, कभी गैस चली जाती है गैस आ जाती है, ठीक है। तो ये ना हो जो औरतें बच्चे लेने जाती है तो दम पे छोड़ के जाती है, मेरा पुलाव दम पे भी होता है, मैं चूल्हा बंद करके जाती हूँ, आके 5 मिनट और दम दे दें लेकिन चूल्हा ना छोड़ के जाएं, फिर जो है ये आगे आगे टूटा फूटा वाली चीज़ें यहाँ रखे कि खो भी जाए तो गम ना हो। ये वैसे तो कॉम्पैक्ट सामने सामने रखी हूँ, अम्मी के घर गई हुई थी ना तो अभी कॉम्पैक्ट पर्स में तो टाइम नहीं है कॉम्पैक्ट निकाल के लगाने का। कॉम्पैक्ट वैसे इतना मेकअप कहते हैं करना नहीं चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि जो कॉम्पैक्ट और ये फेयर एंड लवली वगैरह से थोड़ा सा हमारा जो है ना फेस बच जाता है जलने से, ओवर भी तैयार होते हैं कि पेरेंट्स कहें कि एक दफा अबान के स्कूल गई थी, पेरेंट्स की आदत होती है बातें करने की कुछ कुछ की सबकी नहीं, तो फर्स्ट टाइम मीटिंग थी मेरी टीचर से। अब मेरा नेचर है मैं तैयार होके रहती हूँ घर में भी और जाहिर है मीटिंग होगी तो मैं नए कपड़े तैयार होके जाऊँगी, तो दो मदर आपस में बातें कर रही थी, इनको देखो जरा इतने तैयार होके आई हैं, मतलब आई वॉज लाइक क्या मतलब तैयार होना चाहिए ना आपको, अपने आपको प्रेजेंट करना है भाई कि आप इनकी मदर हैं, ये थोड़ी कि जिस हुलियों में आ जाओ, ये नहीं कह रही फैंसी कपड़े पहने या जो भी ये सेट हुआ हो तो मैं नहीं खोल रही, प्लीज़ अपने कपड़े चेंज करें, साफ सुथरे कपड़े पहने नए नहीं तो, और लिपस्टिक लगाएं ताकि आप बात करें, मुझसे तो लिपस्टिक के बगैर बात ही नहीं होती, मेरी तरह कौन है जो लिपस्टिक के बगैर बात भी नहीं कर सकता। तो चले जी मेरा पर्स रेडी है गोइंग, ये पर्स ये रखा हुआ है, अबान का कार्ड चेक करती हूँ, अपने ग्लासेस चेक करती हूँ, पिकअप कार्ड और मोबाइल ये वाला रखती हूँ और चले मैं जा रही हूँ अबान। अबान अब आगे स्कूल से और चम्मच से पानी पी रहे हो, और ये मैंने आते ही चूल्हा जला लिया था, थोड़ी चिकन अभी मैंने और डाली है, ठीक है। मैं आज सिर्फ यखनी पुलाव बना रही हूँ और हरी मिर्चें लानी थी अभी फिर भूल गई, या अल्लाह
हाँ क्या कर रहे हो? ये क्या है? व्हाट इज इन योर हैंड? शो मी व्हाट इज दिस. हाँ नीचे रख दो, हेल्प करो. बस तुम्हें मैं वॉशरूम ले जा रही हूँ, मैं चावल इसमें डाल दूँ फिर तुम्हें वॉशरूम ले जाऊंगी. थोड़ा गरम मसाला डाल दे. जी बच्चियाँ आ गई हैं क्लीनिंग करने, वो बेडशीट चेंज कर रही हैं. बस मैं ये बर्तन दूंगी, बर्तनों की नहीं लगवाई मैंने, बाकी काम वो सारे करेंगी. तो ये बर्तन सारे जमा है, इकट्ठे धोऊंगी मैं क्योंकि सुबह का टाइम, मैं व्लॉग भी ज़रा एडिट करती हूँ. मैं ऐसे पुलाव नहीं बनाती, हरे मसाले वाला बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने ये यखनी पुलाव ट्राई किया है, देखते हैं कैसा बनता है. और मैं अब डालूंगी थोड़ा सा असली घी. जी बेटा इतना सा असली घी चला गया. जी आओ आ रही हूँ. और अब चावल डालूंगी. क्या फाड़ दिया? ये 210 का चावल, अब देखें पता नहीं कैसा बनता है. जी ये पता है. अच्छा मैं आ रही हूँ बेटा, मैं आ रही हूँ. दूसरी चादर कर लो, मैं आके सही कर दूंगी. चलो मैं आगे कर लूंगी, दूसरे रूम की कर लो शुरू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आलू भी दूंगी, सब दूंगी मुन्ना. ओहो दही डालनी थी, मैंने दही निकाली थी. चावल चले गए हैं, ठीक है. क्या हो रही है बान? थोड़ा सा इस स्टेज पे केवड़ा डालूंगी मैं. घर साफ हो गया है. अबान को मैंने खाना वाना खिला के सुला दिया. मैंने हर रूम में जो है स्प्रे कर दिया, ये रूम स्प्रे, ठीक है. इस बार मैंने लेवेंडर लिया है. तो घर साफ होने के बाद हल्का सा स्प्रे कर दूँ तो ऐसे लगता है जैसे घर चमक रहा है. और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अब तो बहुत अच्छी मिल गई हैं बच्चियाँ. तो जो है कपड़े भी धो के वो जा चुके हैं. एक दिन मैं कपड़े वैसे धुलवाती हूँ और एक दिन चादरें, तो आज चादरें धुलनी थी. और अबान का यूनिफॉर्म तो डेली धुलता है. तो और ये कबूतरों ने ऊपर बड़ा परेशान किया हुआ है. तो बस अब मैं भी, टाइम है मेरा रेस्ट करने का. तो जी जनाब घर भी साफ हो गया, अंधेरा कर दिया. शाम का टाइम मतलब दोपहर का टाइम. अब जो है मुझे जो अपने काम है मैं वो करूँगी. अगर मुझे नहाना है मैं नहा लूँगी. अगर मुझे जो है, मैं नहाई तो कल थी, रोज़ बाल वॉश नहीं करना. तो बस अब मैं वुज़ू करके नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद मैं मोबाइल लेके बैठ जाऊँगी, देखूँगी कि मेरे कितने आज के व्लॉग पे व्यूज़ आए हैं. और जो है फिर 4 बजे आएंगे कारी साहब, तो फिर अबान को उठाऊँगी और कारी साहब से पढ़ाऊँगी. वैसे अबान दोपहर में सोते थे बचपन में, फिर छोड़ दिया उन्होंने जब से स्कूल. तो अब कल से मुझे कारी साहब ने कहा है कि अबान को सुलाया करें ताकि वो फ्रेश उठे और अच्छा अच्छा पढ़े, क्योंकि आजकल अबान का जो है नूरानी कायदा पढ़ने में ज़िद कर रहे हैं. पढ़ रहे हैं लेकिन वो कहते हैं मुझे अपनी मर्ज़ी चलानी. तो खैर अबान को अब सुला दिया, अब आएंगे वो तो मैं उठा दूँगी और चले. अब मैं नमाज वगैरह पढ़ती हूँ, उसके बाद मेरा रेस्टिंग टाइम है. तो शाम की चाय उठ के पियेंगे, देखेंगे क्या है. आपको नज़र आ रहा होगा अम्मी और कवल अभी अपने घर ही है, क्योंकि मैंने बताया था डिफ्रीज़र बहुत ख़राब हो गया, बहुत बुरा हाल है. तो उन्होंने जो है उसकी जो है क्लीनिंग कर रहे हैं, घर सही कर रहे हैं. जाहिर है अपने घर की एक भी चीज़ ख़राब हो तो बहुत बुरे हाल होते हैं. तो बस आज वो लोग आ जाएंगे और फिर वो आएंगे तो देखेंगे उनके साथ व्लॉग कैसा रहता है, क्योंकि घर तो बिल्कुल सन्नाटा हुआ है. पाने कर दी है वॉमिट, और जो है वॉमिट साफ करके पाउडर डाला के जल्दी से ड्राई हो जाए. जो कल कपड़े धुले थे वो सूख गए थे, तो बस वो मैं अलमारी में रख रही हूँ. ये मेरे पर्स ऐसे रखे हैं, पर्स की अलग जगह होनी चाहिए, ठीक है ना. और ये मैंने ऐसे यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ सारी
थ्री पीस जोड़े हैं या फिर कुर्तियां हैं इस वाले हैंगर में। किसी दिन कबर्ड टूर कराऊंगी, मेरी तो सिंपल है कबर्ड, और ये मेरे रात के सूट भी और कुछ जिम सूट भी हैं, तो ये सब चीज़ें ये रही। और नीचे रखती हूँ मैं बेड शीट्स, तो अभी बस बहुत मैसी हो रहा है, बस जल्दी जल्दी वाइंड अप कर रही हूँ, क्योंकि अगर मदर सोच लें कि आज हम हो गए हैं फ्री जल्दी दोपहर में, अब लेटेंगे, बट डोंट टच, गंदा है बेटा ये, तो हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ ऐसे काम होते हैं कि आप रिलैक्स नहीं रह सकते। और अब ये बांध को है ना, मैं मोबाइल देके बिठाऊंगी, क्योंकि तबीयत सही नहीं है इनकी, और फिर ये गंदी गंदी चीज़ों में हाथ लगा रहे हैं। अबान इसको ड्राई होने दो बेबी, हवा लगने दो। चलो ये लो, नानो आ रही है, बस ऑन द वे है ना। अम्मी और कमल आ रहे थे, उनके लिए तो मैंने पुलाव अलग कर लिया था, लेकिन ये तो अभी खाएंगे और जो है शाम की चाय पियेंगे। तो मैं जो हूँ ये चिकन निकाल के मैं भिगो के रख रही हूँ ताकि मेल्ट हो जाए, फिर इसमें हम लगाएंगे मसाला और इसको स्टीम कर लेंगे, टिक्के विक्के की तरह कुछ भी देख लेंगे, मैरिनेट करके ना कुछ कर लेंगे, और फिर पराठा नीचे से मंगा लूंगी और पराठा और चिकन हो जाएगी, ठीक है, और साथ में चाय वाय पी लेंगे, तो रात का खाना भी हो जाएगा। तो बस मैंने है ना फ्रोजन योगर्ट निकाल ली थी, मैंने कहा चलो भाई जल्दी से है ना मैरिनेशन तो तैयार कर लें, तो ये फ्रोजन योगर्ट थोड़ी मेल्ट कर ली थी, थोड़ी जमी हुई है, योगर्ट ले लेंगे, सही है, उसमें हम अबान लग जाएगा आपको, उसमें हम डाल लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हो गया जी गार्लिक पेस्ट, ये हो गया जिंजर पेस्ट, ठीक है, क्या हुआ अपन, 1 टेबल स्पून सिरका डाल देंगे, टेबल स्पून सोया सॉस चिली सॉस डाल देंगे, 2 डाल देते हैं, सही है, सोया सॉस डालेंगे। अबान क्या कर रहे हो, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो 1 2 3 ये डाल अभी। हाँ अबान ने केचप ला के दिए, तो चले अबान की फरमाइश पे थोड़ी सी केचप डाल देते हैं, वैसे मैंने डाल नहीं दी थी, माशाल्लाह फैलावे तो व्हाट यू वांट, नहीं ये नहीं डालना बेटा, थोड़ा क्रीम, क्रीम भी डालूं भाई, अबान की रेसिपी आ गई है, अबान ये रख दो, मैंने ये डाल दी केचप, चलें भाई अबान की रेसिपी आ गई, अबान ने ये क्रीम मायोनीज दी है, अबान अच्छा मिक्स कर लो, देखो गिराना नहीं स्पून अंदर से, रुको क्या बेटा पकड़ के, बाकी चीजें गिरा दो क्या, काम करो और बच्चे आ जाए ना, अभी मैंने चिकन भी नहीं देखी मैंने कितनी मेल्ट करने रखी है। चलो भाई थोड़ी अबान की फरमाइश पे क्रीम भी डाल देते हैं, थोड़ा हम डाल देते हैं बिहारी कबाब मसाला, टिक्का मसाला डालना था घर में खत्म हो गया है, पता नहीं मेरे साथ होता क्या, अबान मिक्स करो, मिक्स इट मिक्स इट, तो हम अबान पकड़ के मिक्स करते हैं इसे, तो हम हमारे पास जो मौजूद है हम वो डाल लेंगे, बिहारी कबाब मसाला, उसमें की रेसिपी थोड़ी अजीब सी होती है भाई, जो बस आंखों में ना उड़ाना मुन्ना, भैया बान कर रहे हैं मैरिनेशन ऑफ चिकन, ओके, और थोड़ी सी जाएगी इसमें लेमन जाएगा, लेमन ठीक है, आप मिक्स करो बस, मम्मा डालेंगी हर चीज, ओके मम्मा लेमन स्क्वीज करेंगे, हटो नाइफ है ना मेरे हाथ में, ये देखिए मैं ये कट कर रही हूँ, और अभी किचन साफ सुथरा था, मेरे पास है लेमन स्क्वीजर, वॉश हर चीज में वॉश करके यूज करती हूँ, वॉश कर लो फिर, अब हाँ इसको लेमन को स्क्वीज करो, चलो ये है ना मम्मा रख के देंगे, ठीक है इसको यहाँ रखो ऐसे, अब बंद करो प्रेस करो,
निकला लेमन जूस. गुड, दैट्स इट. वन मोर लेमन पीस. वी हैव वन मोर. इसको इस यहाँ से नहीं बेटा, आपके हाथों पे कट लगा होगा ना, आपको मिर्च लग देंगी यहाँ से. हटो ये. ओके, नाउ मिक्स इट वेल. अच्छे से मिक्स करेंगे इसको. मुझे लग रहा है थोड़े घर के चटपटे मसाले भी डालते हैं इस पर, लेकिन फिर उन्हें बच्चे नहीं खा पाएंगे. थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं. जाओ जल्दी आइस वॉश करो जल्दी, वरना मिर्ची लग जाएंगे आपको. अब जाओ वहां बैठो. अब चिकन डालेंगे और उसके बाद जो कमी पेशी लगी थी ना. चिकन मैं यहाँ पे वॉश करी हूँ, वॉश हुई भी रखी थी, फिर भी फ्रोजन आइटम है तो निकालेंगे, तो वॉश करेंगे और इसको ऐसे डाल देते हैं जब अलग होगी. चलो अभी ऐसे कर लेते हैं, तो इधर इसी में बाहर ही रखते हैं तो मैरिनेट होगी. हटो अमान, अब आप जाओ, मैं मोबाइल दे रही हूँ आपको निकाल. बेटा ये नहीं, इसको हाथ से करना है, आपके हाथ में मिर्ची लगेगी. अब आप जाओ, गो. हाँ अमान, तो फैलावे ना करने, ऐसा हो सकता. अमान ये मैं व्लॉग बना रही हूँ, एक मिनट मैं आपको खुद दूंगी जान. बाकी चीजें रखो अमान, ये केचप फट जाएगी. बच्चों के साथ ना कोई काम आप करेंगे ना, वो मैसी होगा होगा. ये आप मेरी बात लिखा वाले. अभी किचन मेरा चमक रहा था, लेकिन चले कोई बात नहीं. थोड़ा सा रंग डालेंगे हम. व्हाट आर यू डूइंग? साथ कलर. थोड़ा डालते हैं चाट मसाला और ऑयल, और फिर इसको छोड़ देंगे. मेल्ट हो जाएगा तो दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. बस ये फ्रोजन था तो इसलिए मैंने जल्दी से ऐसे कर लिया. क्या कर रहे हो, हाथ आ जाएगा तुम्हारा. अब मैं इसमें डालती हूँ चाट मसाला, और अबान थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं तो अबान को दे देती हूँ मोबाइल, क्योंकि अबान की तबीयत थोड़ी बेहतर नहीं लग रही, अभी सो के उठते हैं. तो मैंने कहा चलो लेसन कराऊंगी, उससे पहले थोड़ा मोबाइल यूज कर लें. चलो चाट मसाला डालती हूँ और काला नमक. ठीक है बाय. मैं तो कोई मौका नहीं छोड़ती थी वीडियो में, आपकी वॉइस रिकॉर्ड हुई थी. ये वॉशरूम में भी जाएगी तभी वीडियो बनेगी. सही है. चलो तुम जाओ. कौन आया बान? इधर आ गई आप. हाँ हैप्पी. एजल और अबान तो ऐसे मिले जैसे सदियों से बिछड़े हुए. तो चले, मैंने अब है ना रात का टाइम हो गया था, तो मैंने जो चिकन मैरिनेट की थी ऑयल डाला उसके अंदर, वो मैरिनेशन डाली, मुझे मसाला कम लग रहा था, ऊपर से और मसाला डाला और बस इसको स्टीम कर रख दिया. ये इसने अपना ही पानी छोड़ा हुआ था, उसी में बस गलती रही. बस हर थोड़ी थोड़ी देर में मैं चम्मच चला रही थी, जब तक ऑयल ऊपर आ गया और बिल्कुल मसाला भून नहीं गया तब तक जो है मैंने पकाया. और ये देखें बिल्कुल चिकन जो है रेडी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी बनी थी. बच्चों ने भी शौक से खाई, वरना मुमन होता है ये स्पाइसी वगैरह बच्चे नहीं खाते, लेकिन पराठों के साथ जो है, चाय के साथ और ये रायते के साथ बच्चों ने खाई. तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.